Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेकर आई हूँ और मैं थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि ईद भी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमने माना और ब्यूटी से क्या क्या ऑर्डर किया है। इस पैकेट में जो हमारे पास ऑर्डर आया है इसे अनपैक करते हैं और देखते हैं कि हमने इनसे क्या ऑर्डर किया। इसके रिव्यूज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा सुने थे, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी सुने थे। तो चलिए वीडियो में जाते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं और इसकी पैकिंग और सब कुछ के बारे में बात करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है पैकिंग वाइज। और रिव्यू जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है और ये मैंने यहाँ पर इनके दो शैम्पू ऑर्डर किए हैं और एक इनका मैंने कंडीशनर ऑर्डर किया है। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। इसे भी अनपैक करते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं प्रोडक्ट्स, अंदर से कैसे दिखते हैं। तो ये है इनका एक शैम्पू जिसे मैं आपके सामने अनपैक करूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो है अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना रही हूँ और मैंने ये छोटा वाला ऑर्डर किया, तो छोटा इसलिए मैंने ऑर्डर किया क्योंकि पहले मैंने इनका कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। तो आई एम नॉट श्योर कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। अब लोगों के रिव्यूज़ तो सुन लिए हैं, अब ये मुझ पर राज आता है या नहीं। तो अगर आप कभी कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और इस तरह की ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं कि आप उसे टेस्ट कर सकें, स्मॉल बॉटल्स में अवेलेबल है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप जो है इन्हें स्मॉल बॉटल्स में चेक कर लिया करें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। इसे तो मैंने अनपैक कर लिया है, अभी इनका ये दूसरा वाला शैम्पू हम अनपैक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। अच्छा, तो ये वाला शैम्पू भी मैंने अनपैक कर लिया है, ये पर्पल कलर में है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन सा शैम्पू किस चीज़ के लिए है। अभी हम इनके इस वाले कंडीशनर को भी अनपैक करते हैं और फिर लास्ट में हम इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली व्हाट इट्स फॉर। तो ये देखें, इसे भी मैंने अनपैक कर लिया है और मैं इसके प्राइसेस आपके साथ शेयर करूंगी और क्वांटिटी भी बताऊंगी कि क्वांटिटी इतने प्राइस रेंज में ये चीज़ अच्छी है या बुरी। वैसे ऐसे मैंने यूज़ नहीं किया तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती कि इतने प्राइस में ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इनके ये वाले शैम्पू के बारे में बताऊँगी कि ये स्पेसिफिकली किस हेयर टाइप के लिए है। ये इनका है जुरेनियम एंड कैमोमाइल शैम्पू और इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर हेल्दी हेयर एंड स्काल्प। ये हर हेयर टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ये 110 ml है और इसकी प्राइस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसे मैंने यूज़ नहीं किया और इसमें ये अच्छी बात है, ये SLS फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, एलर्जन फ्री है, ट्राइक्लोसन फ्री है, सल्फेट फ्री। एंड आई थिंक कि जो शैम्पू में सल्फेट नहीं होता वो शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनका ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। और इसकी मैं फ्रेगरेंस देख लेती हूँ कि इनकी फ्रेगरेंस है या नहीं है। अच्छा, तो फ्रेगरेंस है, ये बिल्कुल लेमन टाइप लग रहा है। लेमन जैसे नहीं होता जिससे उसका छिलका होता है, उस टाइप की इसकी फ्रेगरेंस है। और अब इनके इस दूसरे शैम्पू के बारे में बात करूं तो ये है वॉल्यूमिनाइजिंग कलर प्रोटेक्ट। क्योंकि मेरे कलर्ड हेयर्स है तो मैंने ये अपने लिए स्पेशली मंगवाया है। मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा कलर के बाद डैमेज हो जाते हैं और कलर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अच्छे से शैम्पू की ज़रूरत होती है। तो मैं इसे ट्राई करूँगी और इसके रिजल्ट्स अगर अच्छे हुए या बुरे हुए मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये पर्पल कलर में है और इसका फ्रेगरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फ्रेगरेंस किस तरह का है। लास्ट वाले का जो है लेमन टाइप है, इसका किस तरह है मैं बताती हूँ आपको। फ्रेगरेंस में अगर बात करूँ तो फ्रेगरेंस में दोनों सेम है, इनका कोई इतना वो फ्रेगरेंस नहीं है जैसे पेंटीन या लॉरियल या इस तरह, जैसे मैं कोको कर्ल्स वाला यूज़ करती हूँ उनके भी एक अपना फ्रेगरेंस होता है, इसमें कोई इतना वो फ्रेगरेंस नहीं है। तो इसमें आपको लेमन और ऑरेंज की फील आएगी। तो बाकी ये इसकी बॉटल है, ये इसकी पैकिंग है। पैकिंग की मैं बात करूँ तो इनकी प्रोडक्ट्स की पैकिंग बहुत अच्छी है, बॉटल्स भी बहुत इनके अच्छे हैं।
अच्छा, अब मैं इनके इस कंडीशनर के बारे में बात करूं तो ये कंडीशनर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है। वैसे मैंने सबके साथ देखा था, सबका भी इतना ही था, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन कंडीशनर की अगर इस तरह से बात की जाए तो दिस इज़ टू लेस, और इसके प्राइस के हवाले से ये दिस इज़ टू लेस। और ये इसकी पैकिंग है, ये इसका बॉक्स है, इनकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग अच्छी है। बाकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हमें पता लगेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो इसको मैं चेक करूँगी और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो और मेरे एफर्ट ज़रा से भी अच्छे लगे हैं तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।